भारत रे एंट्री कला चीन भाइरस, ओडिशा रे रोगी चिन्हट नहीं चर्चा। निजकु एमिति रखंतु सुरक्षित, समग्र विश्वर लोके एबे कोरोना रो बाहर निज व्यस्त बहुल जीवन रे काम करि चली छुंती। हेले गत केचे दिन धरे बेस चर्चा रे रहिछि नुआ निमोनिया भाइरस जा चीन रु सृष्टि होईछि। ए भाइरस विशेष करे शिकार करूछि शिशु को, जेउथिपाई चीन रो अनेक हॉस्पिटल रे देखिबा को मिलुछि लंबा लाइन। लोके निज पिलांकु सांगरे नै हॉस्पिटल रे पहुंचुछंती, सबटे एहा को नै चीन सरकार मध्य सजाग होई पड़िछंती। खाली एतिके नुहे, ए रोग जेमिति अन्य केवाड़े न व्यापिब सेथिपाई विश्व स्वास्थ्य संगठन मध्य चेताई देइछि चीन। एथिसहित ए रोग संक्रांत रे विस्तार भावरे जणाइबा को परामर्श देइछि। जदि आमे कहिबा तेबे खतरनाक भाइरस चीन रु अमेरिका पर्यंत वर्तमान पहुंचि सारलाणि। चीन रे जुआडे देखिले माड़िबारे लागिछि ए भाइरस। मिस्ट्री भाइरस नारे एहा चर्चित हेबा को लागिलाणि, किंतु विश्व स्वास्थ्य संगठन एहारो नाम देइछि फ्वाइट लंग सिंड्रोम। ए रहस्यमय रोग धीरे धीरे एबे व्यापिबारे लागिछि। आमे जेपरि कहिलु एहा बेसी मात्रा रे छोट शिशु को ही कबलित करुछि। वर्तमान सुधा अमेरिका जाए एहा पहुंचि सारिथिबा बेले भारत को मध्य बहुत हुई करिसारे छेंट्री। खाली एतिके नुहे, बरं ओडिशा रे मध्य एहा चिन्हट होइथिबा चर्चा होउछि, कारण थंडा ज्वर रे आक्रांत होई अनेक शिशु हॉस्पिटल जाउछन्ति। मात्र रिपोर्ट रे कोन आसुछि ताहा जणा पडिनि, किंबा सरकारी भावरे एहाको प्रकाश करा जाइनि। ताहेले एही फ्वाइट लंग सिंड्रोम कोन? माइकोप्लाज्मा निमोनिया बैक्टीरिया ए रोगर मुख्य कारण होइथाय पारे। ए रोग द्वारा मनुष्यर फुसफुस उपरे पडिथाय को प्रभाव, फुसफुस फुली जाय एवं धळा देखा जिबाको लागे। एक्सरे हेबा परे जिउ रिपोर्ट आसे सेथिरे एहा कळा देखा जाय सतो, किंतु ए भाइरस से पीड़ित व्यक्तिकर एक्सरे रिपोर्ट रे फुसफुस धळा देखा जाय, एथिपाई एहार ना एमिति दिया जाय छि। तबे पिला ए भाइरस रो शिकार हेबा पछरे कोन कारण रहिछि? एही रोग अधिकांश शिशुंकु अटैक करिवारो मुख्य कारण हेला दुर्बल इम्यून सिस्टम। 5-10 वर्ष वयसर पिलांकर रोग प्रतिरोधक शक्ति धीरे धीरे विकसित होइथाय, अर्थात एक प्रकार एमानकर इम्यून सिस्टम होइथाय कमजोर। एमितिरे तो आपण माने जानिथिबे कि प्रतिटि रोग प्रथमे कम इम्यूनिटी को परिथायता, सेथिपाई छोट पिला बेसी मात्रा रे एहा द्वारा शिकार हेउछन्ति। एबे जानिबा ए फ्वाइट लंग सिंड्रोम रो लक्षण कोन? प्रथमे तो एहा द्वारा निश्वास प्रश्वास रे बाधा देखा दे, लगातार भावरे मुंड बथा हेबा, प्रतिटि समय रे थकापन अनुभव हेबा, थंडा काश हेबा, हल्का ज्वर सहित थंडा लागिबा। तबे रोगरु निजको रक्षा करिबा पई सबबेले आपण दूरता बजाय रखंतु, हातको सानिटाइज करे बारंबार धोंतु। जदि हल्का ज्वर अछि तबे तुरंत नियंतु डाक्टरकर परामर्श। थंडा काश हेबा मात्रे पिन्धंतु मास्क, निजे निजको अलगा रखंतु, एथिसहित निज डायट को रखंतु हेल्दी, आउ ओजन न बढ़िबा पई प्रतिदिन योग करंतु। ब्यूरो रिपोर्ट, कलिंग टुडे लाइव।